नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, जो कि UPSI और BSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। BSI का भी मेंस 11 अक्टूबर को घोषित हो चुका है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, और UPSI की आने वाली वैकेंसी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो रोड साइंस होते हैं, बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मैंडेटरी साइन, दूसरा होता है कॉशनरी साइन, और तीसरा होता है इंफॉर्मेटरी साइन। मैंडेटरी साइन का बेसिक पर्पज होता है कि यूजर को लॉज और रेगुलेशंस के बारे में बताना है, जिससे कि उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके और ट्रैफिक को भी स्मूथ रखा जा सके। इनके उल्लंघन करने पर आप पर जुर्माना या कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने सिग्नल को क्रॉस किया है या अवमानना की है उस सिग्नल की। हमारा पहला सिग्नल है यहाँ पर स्टॉप। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर वाइट कलर के स्टॉप लिखा हुआ है। इस अगर ये जहाँ भी सिग्नल आपको दिखे, इसका मतलब है कि आपको इमिडिएटली जहाँ पर आप हैं वहीं पे आपको रुक जाना है, गाड़ी को खड़ी कर देनी है। फिर दूसरा है सिग्नल है ये इन्वर्टेड बी में आपका है गिव वे। इसका मतलब है कि दूसरी गाड़ी को आप अपने साइड से रास्ता दें जाने के लिए। अगर आप खड़े हो गए हैं तो उसको रास्ता दे दें कि वो पास कर सके आपको, जिससे कि जाम वगैरह का झंझट न रहे वहाँ पे। ये सिग्नल बहुत ही आपने देखा होगा, ये है नो एंट्री का सिग्नल। अक्सर आपने शहरों में जो मेन शहर की रोड होती है और जो भी वहाँ पे हाईवे वगैरह होते हैं, वहाँ से आप देखेंगे कि मेन सिटी की ओर जो भी सड़क जाएगी उस पर इस तरह का सिग्नल बना होता है। इसका मतलब होता है कि आगे आप नहीं जा सकते हैं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। कहीं भी टाइम भी लिखा होता है कि इतने से इतने टाइम तक नो एंट्री होता है। फिर आपका आता है वन वे का सिग्नल, इस तरीके का। एक सर्किल के अंदर एक तरफ का एरो है, एक तरफ का एरो पे कट मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वन वे ट्रैफिक है, आप जा सकते हैं इधर से पर उधर से आ नहीं सकते हैं। अक्सर त्योहारों वगैरह पे इस तरह का रूट डाइवर्जन या ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाता है, तो वहाँ पे सड़क को वन वे कर दिया जाता है, तो वहाँ पे ये सिग्नल आपको बहुत ही मिलेगा। या कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सड़क पे, तो वहाँ पे आपको ये सब सिग्नल देखने को मिलेगा। ये सिग्नल देखिए, सर्किल में दोनों, एक अपवर्ड फेसिंग आपका एरो है, एक डाउनवर्ड फेसिंग है, दोनों पे ही कट का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों ही साइड में आप नहीं जा सकते हैं, व्हीकल्स प्रोहिबिटेड हैं। वहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा, सड़क निर्माण का कार्य, इसलिए वहाँ पे ब्लॉक लगाया गया होगा कुछ टाइम का। तो वहाँ पे इस टाइप का सिग्नल है कि आप दोनों से आवाजाही एकदम पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, ये अक्सर आप हाईवेज वगैरह पे देखेंगे जहाँ पे बहुत ही फास्ट मूविंग गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे इस तरह के सिग्नल लगे होते हैं कि आप अचानक से राइट टर्न नहीं ले सकते हैं। सेम सिग्नल यहाँ है, वही है, बस इसमें ये दे दिया गया है कि आप लेफ्ट में नहीं मुड़ सकते हैं। फिर आपका आता है यू टर्न प्रोहिबिटेड। यू टर्न प्रोहिबिटेड, द साइन डायरेक्ट द ड्राइवर टू वे राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये नहीं लिखा होना चाहिए था। यहाँ पे जैसे कि कहीं भी आप सड़क पे जा रहे हैं तो एकदम से गाड़ी मोड़ लेते हैं, तो वहाँ पे आप गाड़ी एकदम से नहीं मोड़ सकते हैं। आपको स्पेसिफिक वहाँ पे बनाया गया होगा कि यहाँ से आप टर्न ले सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं लोग, एकदम एक्सप्रेस वे वगैरह होते हैं तो एक तरफ से ही आप एंट्री होती है, उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, वन एंट्री वन एग्जिट है, तो वहाँ पे लोग मुड़ जाते हैं वहीं पे, तो ये अलाउड नहीं है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यहाँ पे आप अक्सर ये सिग्नल देखते होंगे, जैसे कोई ब्रिज वगैरह बन रहा है, उसके नीचे सड़क बन रही है, वहाँ पे इस टाइप के सिग्नल काफ़ी होते हैं, जहाँ पे ये लिखा होता है कि जो गाड़ी चल रही है चलने दीजिए, आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ये सिग्नल भी बहुत ही फेमस सिग्नल है, खासकर स्कूल या हॉस्पिटल्स के या कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके या मेंटल असाइलम वगैरह होता है, वहाँ पे ये सिग्नल देखने को मिलता है, जहाँ पे इस तरीके के भोंपू और उस पर कट का निशान बना होता है। इसका मतलब है कि आप हॉर्न मत बजाइए, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, साउंड को लेकर के स्पेसिफिकली सेंसिटिव एरिया है। ये है, आए दिन आप देखते होंगे, जिसके लिए झगड़े भी होते रहते हैं शहरों में, इसे हम कहते हैं नो पार्किंग का। ये अक्सर ही आपने देखा होगा हर जगह कि नो पार्किंग का सिग्नल यहाँ लिखा भी होता है, नो पार्किंग में सिग्नल बना होता है कि आप वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। कोई बड़ा ऑफिस या कलेक्ट्रेट हो, वहाँ पे भी ये सिग्नल बना होता है। स्कूल के बाउंड्री के आसपास बना होता है, या कोई टूरिस्ट प्लेस है वहाँ भी बना होता है कि नो पार्किंग का। ये तो मेरे समझ से हर इंसान को जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है इस साइन का।
इसका मतलब होता है कि ड्राइवर अपनी लिमिट को इस सर्किल के अंदर जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसके हिसाब से स्पीड लिमिट तय की जाती है कि मैक्सिमम स्पीड यही है, इसके हिसाब से आपने आपको अपने स्पीड को लिमिट करना है। अब 40 हो गया तो इसका मतलब वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 40 अलाउड है, 40 से ज़्यादा में नहीं जाना है। अगर दोस्तों आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।